हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मुझे मिली है अपने बचपन की एक फोटो। उस टाइम मैं कोई 3 साल के आसपास का होता था और आपको मैं दिखाता हूँ वो फोटो। ये रही वो फोटो। तो इस फोटो में है ये मेरे परदादा जी और ये है मेरे परदादी जी, और यहाँ पे जो बैठे हैं ये मेरे परदादी जी की सिस्टर हैं, और ये है मेरे पापा के चाचू जी, और ये है मम्मी, और ये हूँ मैं। तो गाइज, उस टाइम मैं कोई 3 साल के आसपास का था जबकि ये फ़ोटो है, उस टाइम जो क्लिक की थी पापा ने। बहुत ही पुरानी फ़ोटो है जो इतने टाइम बाद आज मुझे देखने को मिल रही है। तो और जिस कैमरे से ये फोटो खींची गई थी वो कैमरा है गाइस ये कैमरा मम्मी ने अलमारी में रखा हुआ था और मेरे कहने पे ही उन्होंने इसे बाहर निकाला, और बहुत ही पुराना कैमरा है। इसका तो मुझे भी पता नहीं है कि ये कौन से सन में लिया था। ये तो पापा से बात करके पता चलेगा कि ये उन्होंने कब लिया था, कौन से सन में लिया था और कितने में लिया था। तो चलिए पापा से ही पूछते हैं इसके बारे में। कब का था ये कैमरा, कब लिया था आपने ये कैमरा? जब मैंने मैट्रिक की थी 1976 में, मार्च 1976 में, तो जून में हमारे रिजल्ट निकले, जुलाई में मैंने ITI स्टेनोग्राफी की ट्रेनिंग के लिए एडमिशन ली थी। तो उसमें स्टाइपेंड भी मिलता था हमारे को 1976 में, जब ज्वाइनिंग किया था उसमें स्टाइपेंड मिलता था, और ये 1976 में लिया था मैंने 80 रुपए का। इसमें अंदर डलती थी, क्या नाम, ये रील डलती थी, और यहाँ रील डलती थी, फिर यहाँ से जब ऐसे करते थे घुमाते थे फिर ये 20 के बीच में आ जाता था यहाँ पे, और जब इसको क्लिक करते तो आगे से ऐसे इसमें फ्लैश बाहर से अंदर को इमेज आता था, प्रतिबिंब पड़ता था बाहर से आदमी का जो दिखते थे आगे को, जिससे फोटो आ जाती थी और ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। और यही कैमरा हमारी शादी में भी 1979 में हमारी शादी हुई थी अप्रैल में, तो यही कैमरा था, उसमें वीडियो वीडियो कुछ नहीं होते थे, और इसके इसी की ब्लैक एंड व्हाइट हमारे पास होते थे, क्या नाम, फोटो होते थे, और अभी तक है। बल्कि इसमें हमारी शादी में XMP बालक राम जी भी गए थे, बराती बन के, तो उनका फोटो भी है इसमें, कहीं हमारे एल्बम में पड़ा हुआ, इसको गले में लटकाते थे ऐसे करके, और 80 रुपए में लिया था, मुझे बड़ा कॉस्ट होती थी, 80 रुपए बड़ा महंगा कैमरा था। बहुत होता था, 76 आग फाग गेवर्ड का कैमरा है ये, और माल रोड में होती थी इसकी दुकान, वहां से लिया था मैंने ये ऐसे, हाँ ऐसे लटकाते थे और ऐसे देखते थे इसमें, और जैसे आगे आते थे तो फिर इसमें ऐसे करके, जैसे प्रणव दिख रहा है मेरे को अभी, तो इसमें ऐसे क्लिक करते थे इसमें और फोटो आ जाता था। तो पहले क्या भी चलते थे, तो अभी भी ऐसे ही फोटो, कलर्ड फोटो नहीं होते थे उसमें, कलर्ड भी नहीं होते थे उसमें, फोटो कलर्ड होते ही थे, ब्लैक एंड व्हाइट ही होते थे उसमें, कलर फोटो बाद में आए, फिर बाद में ये कैमरे भी कहाँ होते थे, और सब ये नहीं होते थे, सबके पास नहीं होते थे इस क्षेत्र में, शायद मेरे पास था ये कैमरा, तब जब शादी होती थी कहीं तो इनको ही फोकते थे, खींचे देखा था फोटो भी, और बड़े अच्छे फोटो आते थे इसमें, बहुत अच्छा रिजल्ट था इसका, दादा दादी के इनके सारे फोटो अच्छे लिए मैंने, ये बहुत अच्छा कैमरा है। और उस समय तो मैंने यही लिया था कैमरा 80 रुपए का, ये बाद में लिया था मैंने 20 रुपए का, कवर 20 रुपए का मिलता था, पर बड़ा अच्छा कवर है, अभी खराब नहीं है आज तक, कैमरा भी खराब नहीं, अभी भी चलता है, लेकिन इसकी रील नहीं मिलती ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि फैशन ही खत्म हो गया है, अब तो डिजिटल कैमरे आ गए हैं, चिप लगती है इसमें, जितने मर्जी कैमरे ले ली, इसमें तो 15-16 फोटो आता था कुल्ली, एक रील में, और रील आती थी 20 रुपए की रील आती थी उसमें, 20 तो बहुत ज्यादा थे यार, 20 के आते, अच्छा 10 के आते कुछ ऐसी, हाँ ऐसी होगी। तो फिर पहले इसी के थ्रू हम फोटो लेते थे, ये भी बहुत अच्छा कैमरा है, बल्कि सभी बच्चों फोटो इसी में लिए हमने, हाँ सारे बचपन तुम्हारा सबका इसी कैमरे में कैद हुआ, हाँ हाँ बड़ा अच्छा कैमरा है। तेरे पापा तो रोज ही बस छुट्टियों में फोटो, हाँ मेरे को काफी शौक था, हम देखो कितना अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, जैसे जो बार घर है कुछ है वहाँ
क्या था बेटा? हाँ मैं एक मिनट इसको उठाना है किस चीज से। क्या जल्दी कोई रुमाल ये दे दो, कपड़ा ये दे दे, कोई सोफे सोफे का ये खींच, ये दे दे पंदे छोटा सा। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते थे पहले, इससे पहले और भी बड़े बड़े होते थे वो। मैं इसको फेंक गया, वो तो और बड़े होते थे इससे पहले, पता नहीं काफी, ये काफी सोफिस्टिकेटेड था, बहुत अच्छा कैमरा था ये। हमारी फैमिली में पहला कैमरा है। इसमें दिनेश के फोटो भी है, जितेंद्र के भी है, नवल के भी है, दादा दादी के भी है मेरे, और सिस्टरों की शादी हुई उसके भी है इसमें कैमरे फोटो। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट हमने लिए है, नानी के फोटो लिए हमने, मासी के लिए है, अम्मा के लिए है, सब फोटो थे। देखिए बुआ थी, एक दादे की बहन, उनके फोटो थे, सबके सब इसी में लेते थे फोटो पहले। फिर इसको धुलाई करते थे, वहाँ डार्क रूम होता था क्या वो स्टूडियो में, वहाँ इसकी धुलाई होती थी, फिर एक हफ्ते बाद देते थे हमारे को, एकदम नहीं मिलते थे उसमें। अब तो इंस्टेंट देते ना कि अभी जाओ अभी ले लो फोटो, तब नहीं होता था ऐसा, तब तो वहाँ जाओ जी वहाँ धुलाई खुद हो अपने रील। अब इसके फोटो अभी साफ कराए हमने दादा दादी के ना इनके, तो बहुत पैसा लगा उसको, उसको अभी तो बड़ा पैसा लगा भाई, ₹750 लगा, ₹750 एक फोटो पे, एक फोटो पे। वो बोल रहे थे कि भाई हमने कोई सारे शिमला में बोला, अब कोई है नहीं दुकान ही नहीं, शिमला वाले बोल रहे थे कि हम नहीं करते, हम एक के कोई है ना, एक के कोई बिंद्रा स्टूडियो वाला वो करता, पता नहीं फिर उन्होंने बोला हम कर देंगे पर पैसा ज्यादा लगेगा, कॉस्टली है। फिर बना दिए इन्होंने, ये दादा दादी की है या दस्त के लिए देखने के लिए, चाहे महंगा ही हो। जब से मोबाइल चले तो सारा इसमें कैमरा इसमें है, लाइट इसमें, रेडियो इसमें, टेलीविजन इसमें है, ये हिस्ट्री पुराने कैमरे की, पुराना कैमरा। अब भी लुक वाइज कितना अच्छा है, वेरी गुड शेट। हाँ अब ऐसी चीज कोई है नहीं जो, हाँ ये तो बन गया हेरिटेज, हेरिटेज प्रॉपर्टी है। इसकी फोटो है भी होनी चाहिए ना, ब्लैक एंड व्हाइट बोल लिया अंदर से। हाँ जी देखो मैं लगता हूँ इसका फोटो, दूसरा बच्चे वैसे भी जो एक देख जैसे वहाँ वैसे दूसरे बाल कटाने है ना, ज्वाला जी वगैरह तब साथ था, बाल काटते वो कोई वो रहे थे हंस रहे, हो गया कड़क हो गई है नहीं। क्या होता था पहले, ये कैमरे भी नहीं होते थे किसी का, हमारे दादू दादी की फोटो और भी है इन बच्चों के, ये दादू है, ये दादी है, ये दादी की बहन है, ये चाचू है, ये तेरी मम्मी है, ये नवल है, ऐसे इसी कैमरे के लिए है हमने, ये तो थोड़ी बड़े की है ना इसलिए थोड़ा डिम आ रहे हैं, अदरवाइज बहुत अच्छे फोटो आते हैं इसके। मेरी फोटो की भाई की है, तेरी है, मेरे तो कांटा टूटा था इसमें जब भी डाल रखी थी, उसने 4 साल का था, प्रेम तीन साल का था, 3 साल दादू दादी बहुत अच्छे थे हमारे, बहुत धार्मिक विचारों के, दादू दादी सबको अच्छे लगते है। कौन है ये कौन है बताओ आप, देखिए दादी बेचारी ना, दादी तो इनके के ये इनकी बहन है, ये चाचू ये दादा है, ये बहन किसकी है, ये जो इनकी दादी है इनकी दादी की बहन। हाँ
बढ़िया बड़ी पाले घर की फोटो नीचे पुराने घर की पुराने घर नीचे गांव के दूर का जो बुढ़ा ये घर था तो ना पुराना ये तो नया बना दिया थोड़ी कौन है ना पहले तो पुराना था और पर इसका जहाँ नीचे मंदिर जाते हैं ना वहाँ की है जहाँ जो जय करने जाते हैं ना है ना पुराना घर हलवा बनाते जाते हैं जहाँ हलवा हाँ तो वहाँ इनका घर था वो इनका घर था वहाँ वो अब वो चले गए अब इनके चाचू चाची रहते हैं वहाँ बाकी लोग रहते हैं। तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे पापा का ये कैमरा आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।